Hello, I am Temureli and you are watching RT Cricket. KKR ने पहले टॉस जीता और बॉलिंग करने का फैसला किया ये सोचकर कि आज सेकंड इनिंग में पिच अच्छी होगी बैटिंग के लिए और कहीं ना कहीं ये फैसला गलत साबित हुआ गया था दिनेश कार्तिक के लिए अगर आंध्र असल अच्छी नहीं ना खेले गए क्या अगले मैच ना जीतवाते उनको आज तो सबसे पहले बात करते हैं सनद हैदराबाद की बैटिंग की तो डेविड वार्नर और जॉनी बेरस्टो ने ओपन किया और क्या ये खूब एक बहुत अच्छा स्टार्ट दिया डेविड वार्नर की बात करें तो उन्होंने आज बहुत शानदार खेल पेश किया काफी लंबे अरसे बाद वापसी की उन्होंने क्रिकेट में अपनी और क्या ही उनकी इनिंग्स थी आज एक 85 रन की और 12वें ओवर तक बहुत अच्छी गेम जा रही थी और एक पॉइंट में लग रहा था 200 रन करेगी हैदराबाद की टीम पर लेकिन केकेआर ने अच्छी बॉलिंग किया कर आखिर के 6-7 ओवर में रिस्ट्रिक्ट किया सनराइजर हैदराबाद को 200 से नीचे तक। आज पहली बार ऐसा हुआ कि सुनील नारायण और कुलदीप यादव ने अपने ओवर्स पूरे नहीं किए इकट्ठे जी मैच में खेलते हुए और एक अच्छी कैप्टेंसी थी दिनेश कार्तिक की जानिब से कि उनको बॉलिंग नहीं करवाएगी अगर करवाते तो शायद उनको रन पड़ते और केकेआर मैच में 10 रन कंसीड कर देता। अगर बैटिंग में बात करें केकेआर की तो आज उन्होंने क्रिस लिन शुरू में जल्दी आउट हो गए फिर नतीश राणा जो कि इमर्जिंग प्लेयर है अभी अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं आईपीएल में पिछले सीजन में केकेआर की तरफ से खेले थे इस सीजन में भी खेल रहे हैं तो अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने आज भी 68 रन स्कोर किए उन्होंने आज और केकेआर को एक अच्छी पोजीशन तक पहुंचाया मगर रन रेट इतना अच्छा मेंटेन नहीं कर रहे थे और आखिर के तीन ओवर आखिरी के 30 ओवर में आकर 68 रन चाहिए तो नतीश राणा भी आउट हो गए और फिर आंड्रे रसल जिनको जाना जाता है बड़ी हिटिंग के लिए उन्होंने आज बताया कि वो इसी काम के लिए जाने जाते हैं और यही काम है उनका बड़ी हिट्स लगाना सिक्सेस लगाना और यही करके उन्होंने आज मैच जितवाया केकेआर को एक हेल्दी कॉन्टेस्ट रहा आज दोनों टीम के दरमियान। इस वीडियो में इस टॉपिक इतना ही फॉर मोर क्रिकेट वीडियो सब्सक्राइब लाइक शेयर वीडियो थैंक यू।